स्टॉक को पकड़ने का हमारा यह आखिरी प्रयास था। आप यकीन नहीं मानेंगे, इसे ढूंढते हुए हमें एक हफ्ता हो चुका था। आज किसी की उस पर नजर पड़ी तो हम फौरन उसे लेने पहुंचे, पर हमारे हाथ सिर्फ जमीन पर पड़ा खून ही लगा। जिस तरह इसका खून बह रहा था, हमें यकीन था कि यह ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। इस डॉग पर किसी की नजर पड़ी तो उसने उसकी मदद करनी चाहिए, पर उनसे एक गलती हो गई। इस डॉग के पैर में एक फंदा फंसा था और फंदे से बंधी रस्सी एक पेड़ से। उन्होंने उस पेड़ से बंधी रस्सी को तो काट दिया, पर इससे पहले कि वो उस फंदे को खोल पाते, वो डॉग फंदे को साथ लिए भाग गया। ये फंदे लोग क्यों लगाते हैं, ये तो आप में से बहुत लोग जानते ही हैं। और रही बात बाकियों की, तो उन्हें हम एंड में बताएंगे। जब हमें उसके बारे में पता चला तो हम फटाफट उसे लेने पहुंचे, पर उसे ढूंढना काफी मुश्किल हो रहा था। उन बच्चों से बात करके हमें उस डॉग को पकड़ने में मदद तो नहीं मिली, पर दो और ऐसे डॉग्स के बारे में हमें पता चला जिन्हें हमारी मदद की जरूरत थी। दो दिन बाद हमें फिर से उस डॉग के लिए कॉल आया। जिन्होंने कॉल किया, डॉग उनकी गाड़ी के पास बैठी थी। कार के नीचे बैठे होने के कारण उसे नेट डालकर पकड़ना बहुत ही मुश्किल था। हमने उसे पकड़ने के लिए जैसे तैसे नेट तो फेंका, पर वो बड़ी फुर्ती से निकली और एक झटके में गायब हो गई। उसको भागता देख ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे उसका एक पैर जख्मी है। जैसे स्कूल में एक बारी पिट जाने पर अगली बार हम अपने दोस्तों को साथ ले जाते हैं, इस बार कॉल आने पर हम अपने साथ कैचिंग की दोनों टीम्स लेकर गए। जिन रेस्क्यूअर्स ने कॉल करके हमें बुलाया था, उन्होंने साथ ही एक वीडियो भी भेजी थी जिसमें उस डॉग का खून पूरे बरामदा में फैला हुआ था। हम चार लोग थे और चारों अब अलग अलग तरफ से घर में घुसे और नेट लेकर उसकी तरफ बढ़े। अपनी तरफ इतने लोग आते देख वो दौड़ने लगी। हम भी उसके पीछे दौड़े और जैसे ही उसके करीब पहुंचे, हमने उस पर नेट डाल दिया, पर हमारा नेट झाड़ियों में फंस गया। इससे पहले कि हम फिर से उस पर जाल फेंकते, वो वहां से भाग निकली। हम कई देर तक आसपास की गलियां छाटते रहे, पर वो तो गायब ही हो गई थी। इससे पहले कि हम थक कर खड़े होते, वो साहिल के सामने आकर खड़ी हो गई। इस बार हमारा रेस्क्यू तो कामयाब रहा, पर अभी भी हमारी मुश्किलें कम नहीं हुई थी। हमने उसकी चोट तो ध्यान से नहीं देखी थी, पर खून के धब्बे देखकर हम समझ गए कि मामला काफी पेचीदा हो चुका था। हम जब उसे क्लिनिक लाए तो उसका एक पंजा पूरी तरह से झड़ चुका था। उसकी पांचों उंगलियां तो थी, पर उनमें मांस नहीं बचा था, सिर्फ उसकी हड्डियां बची थी। हमने बड़े ध्यान से उसके हाथ से वो पिक ट्रैप निकाला ताकि वो डॉग और हमारे डॉक्टर्स दोनों सेफ रहे। उसके हाथ से जैसे ही वो पिक ट्रैप निकला, सच में हमें उसकी आंखों में राहत दिखी। हमने उसकी ड्रेसिंग की और उसकी जांच शुरू की, पर उसके शरीर का टेम्परेचर और शरीर में बढ़ रही इन्फेक्शन काफी ज्यादा थी। इस हालत में हम उसकी सर्जरी नहीं कर सकते थे क्योंकि उससे उसकी हालत और बिगड़ सकती थी। जब कुछ दिन में उसके हालत में सुधार आया तो हमने उसका एक हाथ एम्प्यूटेट कर दिया। देखते ही देखते 3 हफ्ते हो गए और हमारी पोस्टमैन रिकवर होने लगी और कुछ ही दिनों में हम उसे रिलीज करने वाले हैं। पर अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। जिन दो डॉग्स के बारे में हमें उन बच्चों ने बताया, अभी भी उन डॉग्स का रेस्क्यू करना बाकी है। इन डॉग्स का आगे क्या हुआ, ये पीपल फार्म के अपडेट्स में देखिए। अब रही बात शिकंजे की, तो वो असल में सुअर पकड़ने के लिए लगाया जाता है ताकि उन्हें खाया जा सके या खाने के लिए बेचा जा सके। चाहे सुअरों को भी गाय और कुत्तों की तरह ही दर्द होता है, फिर भी न जाने क्यों हमने न उनको धर्म में जगह दी है न अपने घरों में, दी है तो सिर्फ अपने पेट में।